हेलो दोस्तों, आज 31 दिसंबर सन 2019 साल का आखिरी दिन, इसलिए मैंने ऊपर लिखा हैप्पी न्यू ईयर 2020। कुछ बातें करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये 31 दिसंबर सन 2019 का दिन है, यानी कि लगभग एक दशक खत्म होने वाला है और 2020 डॉक्टर अब्दुल कलाम का सपना भी था। चूँकि ये दस साल गुजरेंगे, दशक जो गुजरा है, इस दशक में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखे, बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स, बहुत सारी नई गैजेट्स, बहुत सारी नए इनोवेशंस आए। तो फिर मन में ये आया, क्योंकि जब आप सभी मीटिंग्स में आते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी व्यस्तताएँ होती हैं, सभी बहुत बिजी होते हैं, तो कई बार मन में कुछ बातें होती हैं जो मैं कर नहीं पाता। तो एक तो मुझे लगा कि क्यों नहीं ये एक माध्यम बनाया जाए, तो इसमें अजय का एक आइडिया भी आया कि सर इसको हम यूट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि फ़ोन की मेमोरी भी खर्च नहीं होगी और जब हम चाहेंगे तो इसको दे सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि समय समय पर हम ये बात करते रहें। बात की जो आज का की बातचीत का जो मेन मकसद है वो है हमारा कि आपकी जो 7 तारीख की मीटिंग छः और सात जनवरी की जो हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में एक नई स्लाइड आपको इंट्रोड्यूस की गई है। वो नई स्लाइड क्या है, कुछ मैं उस नई स्लाइड के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके पहले, चूंकि इत्तेफाक से आज ये जब हम बात कर रहे हैं तो आज 31 दिसंबर है, 2019 साल का आखिरी दिन, तो साल 2019 का आखिरी दिन और दिसंबर महीने का आखिरी दिन। दिसंबर महीने में हमने टीम प्रोवा ने दो बड़ी अचीवमेंट्स की, जिसको हमने बड़ा खुल के सेलिब्रेट भी किया था और आप सबको याद भी होगा। एक तो हमने एक टेरिटरी में 400 MT की सेल का एक रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक की प्रोवा के इतिहास की सबसे बड़ी सेल है। एक तरीके से हमने नवंबर 2019 में हमने एक बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया था, एक टेरिटरी में 400 टन की सेल का, और दूसरा हमने ब्रेक किया था एक टेरिटरी में, हमने टारगेट किया 195, डबल अचीव करने का। तो इसके स्टार थे रजत और अभिषेक, अपने टारगेट के डबल करने वाले स्टार थे। तो सवाल क्यों, मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड्स यानी कीर्तिमान जो बनते हैं, वो कीर्तिमान हम उन्हें कीर्तिमान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको क्रॉस करना सबके बस की बात नहीं होती। तो मैं आपसे बात करता हूँ 1868। आप सभी जानते होंगे कि ओलंपिक का खेल कई हज़ार साल पहले शुरू हुआ और बाद में वो हर कुछ वर्षों के अंतराल पे वो होता रहा। तो उस खेल में एक बहुत सारे गेम्स होते हैं, उसका एक गेम होता है जिसको आप करते हैं 100 मीटर रेस। इस 100 मीटर रेस का 1898 में 10 सेकंड का रिकॉर्ड बना था, यानी कि इस डिस्टेंस को एक इंसान ने 10 सेकंड में क्रॉस किया था और ये सन 1898 का एक रिकॉर्ड था, शायद कुछ वैसा ही जैसा कि हमने नवंबर में बनाया था। उस रिकॉर्ड को सन 1968 में तोड़ा गया और उस रिकॉर्ड को तोड़ा था मिस्टर जिन ने। तो जो रिकॉर्ड सन 1898 में बना, उसे सन 1868 को तोड़ने में दोबारा जो लगभग 9.93 सेकेंड्स का था, को तोड़ने में लगभग अगर आप देखें तो
98 और 70 साल लगे। 17 years 70 साल हमें लगे 10 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ने में, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था सन 1968 तक कि 100 मीटर की रेस को 10 सेकंड से कम समय में क्रॉस नहीं किया सकता, क्योंकि ये ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है। मैं आपसे जो बात करने वाला हूं कि बात ये नहीं थी कि सन 1968 में आकर के ये रिकॉर्ड टूट गया, बात ये थी कि 1968 के बाद सन 2019 तक, यानी कि अगले लगभग 50 वर्षों में, अगले 50 सालों में यह रिकॉर्ड 170 बार तोड़ा गया। आप बात समझ रहे हो, जो रिकॉर्ड हम 70 साल में नहीं तोड़ पाए, जब 1969 में वो रिकॉर्ड टूटा, उसके बाद के 50 वर्षों में यह रिकॉर्ड 170 बार तोड़ा गया। यह रिकॉर्ड 170 बार तोड़ा गया, तो कुछ है बात, कुछ बात यहां जो समझने वाली है, वो बात समझने वाली ये है कि ये जो रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ, इस रिकॉर्ड के ध्वस्त होने के पीछे पीछे क्या रीजन हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जी ये रिकॉर्ड इसलिए टूटे क्योंकि काफी साल पहले 1898 या 1900 के दशक में उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी, सो वी कैन मार्क इट लाइक कि भाई फैसिलिटीज नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई, ठीक है जी टेक्नोलॉजी भी लिख लेते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि जी ट्रेनिंग्स उतनी नहीं थी पहले, ये बाद के 50 वर्षों में बहुत सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज डेवलप हुई, न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से ह्यूमन कैपेसिटी है, एक आदमी की जो क्षमता थी वो इससे ऊपर नहीं जा सकती थी। ये सारी चीज़ें के डेवलपमेंट से ये रिकॉर्ड्स टूटे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ये इन चीज़ों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसी तरीके से एक और बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, फिर मैं अपने मेन टॉपिक पर आऊँगा। वो बात ये करना चाहता हूँ कि आप सभी जानते होंगे कि में पहली बार सर एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट को क्रॉस किया था, फर्स्ट टाइम 1953। अच्छा, मजेदार बात यह नहीं है कि 1953 में हमने इसको क्रॉस किया था, मजेदार बात यह है 1953 के बाद, 1953 तक एवरेस्ट को क्रॉस करना जहां अपने आप में एक एक बहुत बड़ी बात थी, एक असंभव वाली बात थी। आज की डेट में हालत यह है कि एवरेस्ट पे भाई साहब ट्रैफिक जाम लगता है। आज अगर आप एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं तो एवरेस्ट पे जाने के लिए आपको कम से कम 3 साल की वेटिंग लिस्ट है। आज अगर आप एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बुकिंग कराते हैं तो आपका नंबर 3 साल बाद आता है, वहां पे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति है। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि ये जो फैसिलिटीज, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो बनी हैं या जो बड़ी हैं जिनकी वजह से ये रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं, इन सबके अलावा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है हमारा मेंटल बैरियर। जैसे 1898 में ये रिकॉर्ड टूटा और दोबारा 1968 में जब 10 सेकंड से नीचे इसको अचीव किया गया, तो उसके बाद से एक मेंटल बैरियर टूट गया, और वो मेंटल बैरियर ये टूट गया कि 10 सेकंड के अंदर भी इंसान 100 मीटर की रेस को पूरा कर सकता है। एक बार जब 1953 में सर एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट को फतह किया, उसके बाद ये मेंटल बैरियर टूट गया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है। और जैसे ही वो मेंटल बैरियर टूटा, वैसे ही साहब एवरेस्ट पे ट्रैफिक जाम और 170 लोगों ने अगले 50 सालों में 100 मीटर की रेस 10 सेकंड से कम समय में पूरी की। तो समझने वाली बात यह है कि जो चीजें पहले असंभव लग रही थी, अचानक वो चीजें संभव है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उस मेंटल बैरियर को तोड़ना, और उस मेंटल बैरियर को तोड़ने के लिए जो लर्निंग है वो की है, सीखना।
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि वर्ष 2020 आ रहा है, कल से एक नया वर्ष शुरू होगा। प्रोवा कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कंपनी के अंदर नए स्किल्स और नई चीज़ें डेवलप की जाएं, नई लर्निंग्स हों। तो मैं आप सभी को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। जो बातें मैंने पहले की थोड़ी बड़ी बड़ी बातें, अपने बचपन में जाइए और जब आपने साइकिल चलाना सीखा था या जब आप 14, 15, 16 साल के थे, जब आपने बाइक चलाना सीखा, जब आपने कार चलाना सीखा, वो काम करने से पहले आपके लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल नहीं था, संभव था। आप किसी को साइकिल चलाते देखते थे तो आपको लगता था ये हो नहीं सकता, आप किसी को कार चलाते देखते थे, मैं तो कार नहीं चला सकता। लेकिन आज आपके लिए वो मुश्किल नहीं है। तो कोई भी काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। लर्निंग और रिपीटिशन, प्रैक्टिस उसको आसान कर देती है। तो नए साल में आप खूब सारी चीज़ें सीखिए और हर मुश्किल काम को आसान करिए। इस आशा के साथ आपको नए वर्ष की बहुत सारी बधाइयां देता हूं और अब धंधे पे आता हूं। हाँ, तो मेन जिस बात के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बड़े मजेदार शब्द की, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बड़े कमाल की चीज़ है और ये नए मैनेजमेंट या नया जो प्रबंधन आया है पिछले कुछ सालों में, उस नए प्रबंधन की देन है। मैट्रिक्स में बेसिकली हम ये करते हैं कि हम एक बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो फैले हुए फॉर्मेट में पड़ी हुई हैं, उनको कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंफॉर्मेशंस और प्रॉपर्टी ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिसकी बेसिस पे हम सेगमेंट्स करते हैं, उनको अलग अलग क्लस्टर में तोड़ते हैं और उस क्लस्टर में तोड़ने के बाद हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मैं सीधे आपको स्ट्रेट बात करने के बजाय की जगह मैं आपको एक बड़ा मजेदार सा एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से अपनी बात कहता हूँ। तो आप ये मैट्रिक्स शब्द समझ गए कि ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार की पीपीटी में एक स्लाइड आपके पास मैट्रिक्स के नाम से, क्या नाम है आज उस स्लाइड का? मैट्रिक्स कस्टमर सेगमेंटेशन मैट्रिक्स जी, खैर जो भी नाम हो, उस नाम से वो स्लाइड आपको इंट्रोड्यूस करी है। तो वो स्लाइड बननी कैसे है और उसका पर्पस क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको मदद करेगी, थोड़ा सा गाइड करेगी ये समझने में कि आपको किस तरीके से अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को सेगमेंटाइज करना है और उस सेगमेंटाइजेशन से आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है। चूंकि हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक मजेदार सा एग्जांपल देता हूँ। तो मजेदार सा एग्जांपल क्या है कि राजेश हॉस्टल में रहता है और राजेश हॉस्टल में रहता है और इस हॉस्टल में उसके बहुत सारे मित्र हैं। वो सारे मित्र अलग अलग तरीके से, व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग होता है, तो सभी मित्र जो है वो अलग अलग कैपेबिलिटीज के हैं, वो अलग अलग करेज के हैं, सबका सब कुछ अलग अलग है। अचानक राजेश के मन में एक प्रोजेक्ट आता है कि यार एक काम करते हैं, अपन हॉस्टल में 3 दिन की स्ट्राइक करते हैं। जस्ट एग्जांपल, ये 3 दिन की स्ट्राइक करते हैं और ये स्ट्राइक का ख्याल आते ही वो अपने दोस्तों की तरफ के लिए मदद की तरफ देखता है। या हम मैं स्ट्राइक वाला एग्जांपल हटा देता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उसके दिमाग में किसी की मदद का ख्याल आता है और उस मदद के ख्याल के आते ही वो अपने दोस्तों की तरफ, अपने हॉस्टल के जो उसके दोस्त हैं उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है कि ये सारे दोस्त मेरी मदद के लिए आएंगे। जब वो उस उम्मीद के साथ देखता है तो उसके हॉस्टल में 200 बच्चे हैं।
अब उन 200 बच्चों में, दोस्तों में वो ये समझना चाह रहा है कि असल में कौन से दोस्त ऐसे हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे किन दोस्तों से बात करनी चाहिए, मुझे किन दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए, मुझे कौन से दोस्त हैं जो मेरे साथ जा सकते हैं, कौन से, क्योंकि मेरे उसके पास समय कम है। तो कम समय यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो किन के पास जाए और किन के पास जाकर के ना जाए क्योंकि उसका समय व्यर्थ ना हो, और किन के पास जाकर के वो अपना समय लगाए जिनसे वो अपने प्रोजेक्ट, अपने आइडिया, अपनी मदद, अपने व्यापार के बारे में बात कर सके। तो ये मैंने पहले टीम प्रोवो पे भी डाला हुआ था वो मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, और इसके लिए मैंने ये हॉस्टल वाला एग्जांपल लिया। तो उसने ये देखा कि जो काम वो करना चाह रहा है वो काम करने के लिए एक तो उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो हिम्मती है, ठीक है जी। तो हिम्मत है, हिम्मत का मतलब हुआ जिनके अंदर करेज है, हिम्मत का मतलब हुआ वो लोग जो रिस्क ले सकते हैं, हिम्मत का मतलब वो हुआ जो लोगों के अंदर जो फेथ कर सकते हैं, जो विश्वास कर सकते हैं मेरी बात पे, ठीक है ना। ऐसे हिम्मती लोगों को उसे ढूंढना था। दूसरी तरफ उसे ऐसे इस काम के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो कि जिनकी उस काम को करने के असल में औकात थी। औकात शब्द थोड़ा सा नेगेटिव है, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मैं टीम प्रोवा को ये पहले भी डाल चुका हूं। यहां पे औकात का मतलब है स्किल, कैपेबिलिटी। मान लीजिए कि जिस काम के बारे में राजेश के मन में ख्याल है उस काम के लिए उसे पैसे चाहिए, तो जिनके पास वो पैसे हैं उनकी, उनके पास उस पैसे की स्किल है, उनके पास वो पैसे की कैपेबिलिटी है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनके पास करेज है, जिनके पास फेथ है। अब यहां पे 2x2 मैट्रिक्स क्या जादू करती है, वो क्या करता है कि अपने दोस्तों को यहां पे सेगमेंटाइज करता है, उनको मैट्रिक्स में डालता है। तो जब वो मैट्रिक्स में डालता है तो मैं यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है ना, और यहां पे है लोग बिल्कुल नहीं या बहुत कम, यहां पे है हाई, ज्यादा बहुत ज्यादा, यहां पे हाई, ज्यादा बहुत ज्यादा, लो, कम बहुत कम, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई, तुम्हें समझ में नहीं आएगा जब तुम पूछ रहे हो, क्योंकि यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना, ताकि मेरे को समझ में आएगी, सबको समझ में आ रहा है। और ये उसने, राजेश ने किए 2x2 की मैट्रिक्स ड्रॉ। तो भाई साहब आप होने वाला है जादू। तो ये जादू कैसे होने वाला है कि सपोज कर लीजिए कि राजेश को अचानक 2 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक। अब वो 2 लाख की जब उसे जरूरत है तो उसके ऐसे भी दोस्त हैं जिनको वो समझ सकता है, जिनकी की औकात शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं, लिखा औकात है, मैं कहूंगा उनकी कैपेबिलिटीज है। उनकी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, यानी वो दोस्त जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, जिनके अंदर, जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी लो है, उसको उसने यहां पे रखा। लेकिन वो जिनके अंदर हिम्मत भी कम है, यानी कि जिनके अंदर हिम्मत भी नहीं है और जिनके अंदर पैसा भी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो अगर यहां जैसा हिम्मत में लिखा है, हिम्मत भी नहीं है और औकात भी नहीं, ठीक है ना। तो उसने कहा भाई मैं ऐसे दोस्तों का तो नाम देता हूं फालतू दोस्त मतलब इनके पास जाने का भाई साहब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो इनके पास करेज है रिस्क लेने की, ना तो इनके अंदर फेथ है और ना इनकी स्किल है, ना कैपेबिलिटी है कि ये तुम्हारा साथ दे सके, क्योंकि दोनों चीजें इनकी लो है। तो इनको तो उसने कहा फालतू जी। अब दूसरे दोस्त उसके पास हॉस्टल में ऐसे हैं जिनके भाई साहब हिम्मत तो बहुत है, कमाल की हिम्मत है। उन्होंने कहा भाई साहब वो वाला चल निकाला गोली को मार दी धाए, वो बड़े हिम्मती लोग हैं, लेकिन भाई साहब उनके अंदर कैपेबिलिटी कम है, कैपेबिलिटी नहीं है।
तो उसने कहा कि भाई मैं ऐसे लोगों को तो बोलता हूँ फेकू फेकू, ये साथ खड़े तो हो जाएंगे, हाँ हाँ हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा, लेकिन चूंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, हिम्मत तो है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये फेकू है, क्योंकि ये हाँ तो कहेंगे लेकिन चूंकि अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, इनके अंदर वो स्किल नहीं है, इसलिए जो काम वो करना चाह रहा है वो काम शायद इनसे नहीं हो पाएगा। फिर आए तीसरे वाले में, टू बाई टू में, टू बाई टू की मैट्रिक्स में टू हो गया, अब हम आ रहे हैं तीसरे, यानी वो दोस्त जिनकी कैपेबिलिटी तो बहुत हाई है, बहुत पैसा उनके पास, हमेशा उनके उनके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है बहुत, लेकिन भाई साहब उनकी हिम्मत नहीं है, मतलब ना उनके अंदर करेज है, ना वो रिस्क ले सकते हैं, ना वो विश्वास करेंगे आपके ऊपर। तो ऐसे लोगों को उसने कहा ये मेरे लिए क्या है, फुद्दू। तो आपको बात समझ में आ रही है, 200 बच्चों को वो अगर इस मैट्रिक्स में डाल करके चेक करता है तो बहुत आसानी से समझ सकता है कि कौन से दोस्त ऐसे हैं जो फेकू हैं, कौन से दोस्त ऐसे हैं जो फालतू हैं, कौन से दोस्त ऐसे हैं जो फुद्दू हैं, फुद्दू का मतलब कैपेबिलिटी तो भाई साहब लेकिन हिम्मत नहीं, हिम्मत ठीक है ना, और कौन से दोस्त ऐसे हैं जिनके पास हाई लेवल ऑफ कैपेबिलिटी भी है, बहुत पैसा है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा भी भरा रहता है, और वो भाई साहब बहुत हिम्मती भी है, बहुत जल्दी विश्वास भी करता है, बहुत जल्दी आपके साथ खड़ा भी हो जाएगा, और बहुत जल्दी वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसको हमने कहा फाड़ू, फाड़ू ये हो गए फाड़ू दोस्त। अब 2x2 मैट्रिक्स से अपने काम को कराने के लिए उसको सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए, फाड़ू। अगर फाड़ुओं से भी काम नहीं हुआ, कम पड़ गए पैसे, जितना होना था फाड़ुओं से हो गए, तो बाकी उसको सेकंड किसको अप्रोच करना चाहिए, फुद्दू। अच्छा अगर उसे लोगों की जरूरत है, पैसे का, पैसा तो पूरा हो गया, अब तो भीड़ चाहिए, बारात ले जाने के लिए भीड़ चाहिए, तो वो कई लोगों के पास जाए जिनसे भीड़ भी हो जाएगी, फेकू। वो फेकू के पास जाएगा तो उसकी ये जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो एक ये जस्ट एक फनी सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था कि आपको 2x2 मैट्रिक्स का थोड़ा सा वर्किंग समझ में आए कि 2x2 मैट्रिक्स करती क्या है। वो एक बड़ी इंफॉर्मेशन को 2x2 के फॉर्मेट में तोड़ करके उनको क्लासिफाई कर देती है, और जैसे ही वो क्लासिफाई कर देती है वो आपसे ये कहती है भाई इनके साथ अब आपको क्या करना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी प्लान करती है। ये हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर करते भी हैं, लेकिन चूंकि हम इसका इस्तेमाल बिजनेस में करने वाले हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समझा करके इस बार की सेल्स मीटिंग में इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो अब हम आते हैं उस वाले पार्ट पे जिसमें हमने असल में मेरा मकसद इस पूरी बातचीत का जो था वो आपको ये समझाना था कि आप अपनी सेल्स मीटिंग पीपीटी में इस बात को किस तरीके से समझेंगे और किस तरीके से लिखेंगे। तो अभी हमने स्लाइड के अंदर जो ऐड किया है वो 2x2 की जो मैट्रिक्स ऐड करी है हमने, उसका नाम हमने रखा है कस्टमर सेगमेंटेशन मैट्रिक्स। इसको हम बनाएंगे कैसे, गुड इवनिंग बेटा। इसको बनाने के लिए हमने दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि उसमें आपको अजय ने जो प्रेजेंटेशन भेजी है उसने आपको लगभग आपका काम पूरा करके भेजा है, यानी ये चार्ट आपके में ड्रॉ है, मैं पूरा ही ड्रॉ कर देता हूं। ये जैसा उसमें हमने बनाया था ये लो है, ये हाई है, ये वापस लो है, ये वापस हाई है। उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे लिखा हुआ है सेल दिख रहा है और यहां पे लिखा हुआ है डेज माइलेज, डेज मतलब डेटर्स इन डेज। ये डेटर्स इन डेज वाला जो डेटा है वो आपको डेटर्स इन डेज वाला पार्टी वाइज आपकी जो